नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की कोरपना तहसील के एक निजी स्कूल में कार्यरत अमोल के खिलाफ छात्रा से यौन शोषण की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। घटना मंगलवार 1 अक्टूबर को सामने आई। आरोपी को अकोला के रास्ते मुंबई भागते समय स्थानीय अपराधी शाखा ने हिरासत में लिया है। आरोपी शिक्षक अमोल हर रविवार को ट्यूशन के लिए एक निजी स्कूल जाता था और नाबालिग का यौन शोषण करता था। आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे व उसके परिवार को नुकसान होगा, इसलिए पीड़िता ने पहले तो इस बारे में किसी को नहीं बताया। हालांकि कुछ दिनों बाद पीड़ित लड़की ने बात अपनी सहेली को बताई। मामला तब सामने आया जब सहेली ने यह कहानी अपनी माँ को बताई। लड़की के परिवार ने तुरंत कोरपना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर आरोपी अमोल विनायक लोड़े के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तुरंत पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जैसे स्थानीय अपराध शाखा को सूचना मिली, जिला पुलिस अधीक्षक ममका सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार ने तुरंत दो टीमों का गठन किया और रवाना किया। आरोपियों की तलाश में जुटी टीम आरोपी की तलाश करते हुए जैसे स्थानीय अपराध शाखा की टीम को गुप्त जानकारी मिली कि आरोपी अकोला के रास्ते मुंबई भाग रहा है, तो एक टीम अकोला रवाना की गई और आरोपी का नाम अमोल विनायक लोड़े कोरपना निवासी को स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने रात के दौरान अकोला के बस स्टैंड से हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन कोरपना को सौंप दिया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार के सहायक पुलिस निरीक्षक बलराम झाड़ूकार, पुलिस उप निरीक्षक विनोद भुरले, पुलिस उप निरीक्षक मधुकर सामलवार, हेड कांस्टेबल धनराज करकाड़े, नितेश महात्मे, जयंत चुनारकर, दिनेश आराड़े, पुलिस कांस्टेबल मिलिंद टिकाम आदि एलसीबी की चंद्रपुर टीम ने किया। 12 वर्षीय मुलीच्या बलात्काराचे प्रकरण दाखल झाले। नेमके ते प्रकरण काय आहे, त्याच्या सध्याची स्थिती काय? सर्वांना नमस्कार। काल संध्याकाळी पीडित आणि पीडीच्या आई कोरपना पोलीस स्टेशन मध्ये कंप्लेंट करायचे आले होता। ते सांगितलं होता की मे महिन्यामध्ये त्यांच्यावर काही अत्याचार झाला म्हणून, आणि आरोपी त्यांचा अध्यापक आहे। काही प्रवेश जे ट्यूशन घेत असताना संडे, काही रविवारी आहे, डेट सांगता येत नाही आता। आणि या रविवारीच्या दिवशी मे महिन्यामध्ये त्यांनी त्यांच्यावर बलात्कार केलेला आहे आणि त्यांना धमकी पण दिलेली आहे की बाहेर बोलू नका म्हणून, पुन्हा त्यांच्या आई वडिलांना बोलू नका म्हणून। तो त्यांच्या कंप्लेंट लगेच घेतलेल्या आहे आम्ही, आणि त्यानंतर आम्ही पीडित मुलगीला आम्ही मेडिकल तपासणीसाठी आम्ही चंद्रपूर सिटी हॉस्पिटलला भरती केलेले आहे। त्यांच्या मेडिकल आता संपलेलं आहे आणि ते पण हॉस्पिटलमध्ये आहे। तो त्या अनुषंगाने आम्ही कंप्लेंट दखल घेऊन एफ आय आर दाखल केलेला आहे। लगेच आमच्या क्राईम ब्रांच टीम ज्यावेळी कंप्लेंट आला आमच्या पोलीस स्टेशन, लगेच आमच्या टीम रवाना झालेला आहे। जे गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक माहिती अनुसार आम्ही रवाना केलेला आहे आणि रात्री आम्ही अकोलामध्ये। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।